नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में कोटा के बिल्डर नीरज सुवालका के खाली पड़े घर से महिला की खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कांग्रेस शासन आते ही कोटा के संभागीय आयुक्त केसी वर्मा की जगह पर नियुक्त किए गए कमिश्नर एलएन सोनी ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर वहां की स्थितियों का भी जायजा लिया। फरुखाबाद थाना पर गंगा नदी के पास बना है श्री आत्मानंद गिरी बोनी महाराज के आश्रम में देर रात आग लग गई। भीषण आग से 16 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। किसी तरह आश्रम में लगे जनरेटर से सबमर्सिबल से आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक 16 झोपड़ियां जल चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचे SDM कयामगंज अनिल कुमार और लेखपाल शिव मंगल सिंह ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। जी कहाँ पे? ढाई घाट गंगा जी। जी कैसे लगी सर? यार पता नहीं अकस्मात कैसे लगी। जी किस टाइम लगी सर? 2 बजे। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना इलाके के पास के एक कोचिंग सेंटर से एक छात्रा अपने किसी जानने वाले के साथ कार में बैठकर कहीं चली गई थी। इस घटना को छात्रा ने अब अपहरण का मामला बताते हुए पुलिस को सूचित किया है। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर से संपर्क किया। कोचिंग के पास लगी CCTV फुटेज को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है, साथ ही पुलिस छात्रा से पूछताछ कर रही है। जिसकी एक लड़की के साथ कार में बैठ के जाने की सूचना मिली, जिस पे तुरंत यहां आए, अब उनको राउंड अप कर लिया गया है, उनसे पूछताछ करते हैं, सीधी कार्रवाई की जाए। कौन है बच्चे? अब ये उनके पास पहुंचने पर, उनसे बातचीत करने पर पता लगेगा कौन है। बच्ची मोशन की स्टूडेंट जो किसी कार में बैठ के गई। फरुखाबाद में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दो पक्षों में विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस कर्मी जख्मी हो गया। पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सूचना थी, सूचना पर गए, वहाँ मौके पर देखा तो प्रतिवादी ने मड़िया गिरा रखी थी, उसमें बच्चे भी लेटे थे। उसको बुलाया गया तो सब ट्रैक्टर में भर रहे थे दूसरी जगह। बस वो आया हुआ करके पुलिस बदतमीजी करने लगा पुलिस से। आपसे? हाँ, तीनों लोगों से बदतमीजी करने लगा। इसके बाद उसने जो हमने कहा कि चलो थाने तुम भी चलो, वो भी चले अगर तुम्हें नहीं और क्या करना। हमने लिख के दिया, एस साहब ने हमसे किया नाम सबके बताओ, तो हमने नाम बताया राजेश का, उनका रामवीर का बताया, फिर राजेश का बताया, राजवीर का बताया। तहरीर बोल बोल के लिखाई? किसने लिखाई? बोल बोल लिखाई। किसने लिखाई? एसओ साहब ने। सिद्धार्थनगर जिले में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने सैकड़ों की संख्या में गायों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। दूर दराज से आए ये किसान अपने साथ आवारा पशुओं को भी लेकर आए थे, जो इनके खेतों में घुसकर जमकर नुकसान करते रहे। किसानों का कहना है कि वो गायों को कलेक्ट्रेट में सिर्फ इसीलिए लेकर आए कि जिलाधिकारी भी इन आवारा पशुओं को देखे और किसानों की समस्या को सुनकर इनका निराधार करे। पूरे गौशाला खुलने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ठंड आ गया है, पैसे की व्यवस्था हो गई है और गौशाला के लिए गांव सभा से जो भी GS लैंड है, ग्राम समाज हो या गौचर की जगह हो, उसको चिन्हित करके हम मनरेगा से भी गौशाला बना रहे हैं, उसके अलग से फंड दे रहे हैं और जो लोग पहले से गौशालाएं चला रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। पशुधन विभाग भी इसमें काम कर रहा है। समस्या तो है, लेकिन ये समस्या हमें भी नहीं पता थी, न मतदाता को भी पता थी। झालावाड़ जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी पर हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं स्वागत के लिए राजस्थान झालावाड़ जिले के तमाम दिग्गज नेता बालाजी के मुख्य मार्गों पर स्वागत करने के लिए खड़े रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वो जनता की समस्या के समाधान के लिए हर समय तत्पर खड़े रहेंगे। जैसलमेर के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिला अधिकारियों के साथ जैसलमेर के मुख्य बाजार का पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने नगर की अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और नगर वासियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश।
इसके साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज़।